Hello students, today we will start with chapter 6, squares and square roots. Now first of all, we will understand what are the squares. Square number, what are the square numbers? Multiplication of a number, by itself. जब हम एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दें, इज कॉल्ड द स्क्वायर नंबर. उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर नंबर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, 2 × 2 इज इक्वल टू 4. आपका 2 × 2 जो है वो 4 होता है. तो हियर 4 इज द स्क्वायर नंबर. 4 हम स्क्वायर नंबर बोलेंगे एंड इट विल बी कॉल्ड स्क्वायर ऑफ 2 इज 4. नाउ 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. जो नंबर किसी को सेम नंबर से सेम मल्टीप्लाई करके आता है, दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर नंबर. नाउ वी विल सी द स्क्वायर नंबर्स फ्रॉम 1 to 30. आई हैव प्रिपेयर्ड अ चार्ट फॉर यू कि 1 से लेके आपका 30 तक आता है, 1 की स्क्वायर. नाउ नंबर एंड स्क्वायर, 1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो, मीन्स 1 × 1, यू कैन राइट इट इज लाइक दिस कि 1 की स्क्वायर इज इक्वल टू 1. 2 × 2 इज इक्वल टू 2 की स्क्वायर इज इक्वल टू 4. 3 को अब आप 3 कैसे मल्टीप्लाई करो, मीन्स यू कैन राइट इट लाइक दिस, 3 की स्क्वायर इज इक्वल टू 9. लाइक वाइज आप इसे 4 × 4 भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू 4 की स्क्वायर 16. तो स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, स्क्वायर ऑफ 6 36, स्क्वायर ऑफ 7 49, स्क्वायर ऑफ 19 361, स्क्वायर ऑफ 25 इज 625. You should learn these squares. It will help you a lot. Now, we will study the properties of square number. Now, first properties. A square number never ends with 2, 3, 7 and 8. Never ends. मतलब इनके पीछे last digit में, unit digit या ones digit में कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आता. Square number. Means square number आप ये देख सकते हो, ये वाले सारे आपके square number हैं. ये भी आपके सारे स्क्वायर नंबर हैं एंड ये भी आपके सारे स्क्वायर नंबर हैं. अब आप इनके सबके यूनिट डिजिट ध्यान से देखिए. 1 4 9 6 5 1 4 9 6 5 1 4 9 6 5 एंड यहाँ से भी आप देख सकते हो 1 4 9 6 5 1 4 9 6 5 1 4 9 6 5. इसका मतलब आपकी ये जो नंबर है, 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, बट आपका 2 कहीं नहीं आ रहा, 3 कहीं नहीं आ रहा, 4 आपका रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, 7 एंड 8 आपका फिर कहीं रिपीट नहीं हो रहा, और फिर 9 हो रहा है. 0 टू 9 के बीच में आपके ये डिजिट कभी भी रिपीट नहीं होते. इनके बीच के जो आते हैं आपके 0 1 3, आप नहीं आता, 4 5 7 एंड 8 नहीं आता, 9 रिपीट होते हैं. तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी ये सारे आपके क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. और इनके लास्ट में कभी भी आपका 1 to 30 से आप देख सकते हो, और अगर आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी आप देख सकते हो, 30 से आगे के नंबर भी, थाउजेंड्स में भी इवन ट्राई कर सकते हो, तो आपका ये जो 2, 3, 7 एंड 8 कभी नहीं आएगा. नाउ नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज इवन, कि ऑलवेज इवन होती है. आप देख सकते हो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आपके ये हैं, और ये आपके हमेशा जो पीछे आ रही है, 2 ज़ीरो आ रही हैं, 2 ज़ीरो आएंगी या 4 ज़ीरो आएंगी या 6 ज़ीरो, मतलब इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगी, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कभी आपके नहीं आएंगे. अगर आप इवन की 120 × 120 भी करते हैं, 120 की स्क्वायर निकालते हैं, 120 की जो स्क्वायर होगी वो क्या होगी, 120 × 120, तो आपका क्या आएगा, 144. तो आपकी कभी भी ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज रिपीट नहीं होती है. अगर आप इसका 1200 कर दोगे तो यहाँ पे 1200 आ जाएगा, 2 ज़ीरो आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपके फिर 4 ज़ीरो हो जाएंगे. तो आपकी ऑड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज कभी नहीं आएंगी, या तो इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज आएंगी, या 2 आएंगी, या 4 आएंगी, या 6 आएंगी. नाउ square of even number is always even and square of odd number is always odd. अब आप देख सकते हो square odd number है तो उसकी square भी odd है, even है तो even number है, odd square odd है तो odd है, even है तो even है. आप कहीं भी check कर सकते हो, even है तो even है,
ऑड है तो आपका ऑड नंबर ही स्क्वायर का आंसर आ रहा है। नाउ नोन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन एन स्क्वायर एंड एन प्लस वन की होल स्क्वायर आर टू एन एंड सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज एन स्क्वायर। आई विल एक्सप्लेन दीज टू प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स विच वी विल एक्सप्लेन इन द क्वेश्चन नंबर्स ऑफ 6.1। नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.6.1। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब आपने सिर्फ यूनिट डिजिट बताना है, यूनिट डिजिट मीन्स वंस डिजिट आपने बताना है। लाइक 81 को जब आप 81 से मल्टीप्लाई करोगे, 81 को 81 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 की स्क्वायर आप तभी निकालोगे। तो आप देखो 1 1 1, तो आपका लास्ट में यहाँ जो भी आए, यहाँ क्रॉस आता है जब आप सेकंड डिजिट से करोगे, तो आपका लास्ट डिजिट विल ऑलवेज बी 1। आगे का जो मर्जी रहे वी डोंट नीड दिस बिकॉज वी आर आस्क्ड ओनली यूनिट डिजिट। तो इसका जो स्क्वायर नंबर होगा आपका 1 होगा यूनिट डिजिट का। 272 को अगेन आप इसको 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 2 4, तो इसका आंसर है 9 9 81। 81 में भी आपका जो है 1 पीछे आएगा, 8 आपका कैरी में चला जाता है तो इसका आपका 1 आएगा। 3 8 5 3 में 3 3 3 9, 4 4 16, 16 में 6 आएगा, 1 आपका कैरी में चला जाता है। 7 7 49, 49 का 9 आएगा लास्ट डिजिट। 8 8 64, 0 का 0 ही रहेगा, 0 into 0 0 होता है। 6 6 36 मीन्स 6 आएगा आपका, 5 5 25 मीन्स 5 आएगा आपका। नाउ द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजंस। अब आप देख सकते हो हमने अभी भी प्रॉपर्टी में किया था कि परफेक्ट स्क्वायर्स में आपका 2 3 7 8 कभी भी रिपीट नहीं होता। इन सभी में जो लास्ट डिजिट आ रहा है 7 है, 3 है, 8 है, 2 है, सो दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। सो यू कैन गिव विद रीजन कि 1 0 5 7 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज 1 0 5 7 एंड्स विद 7, लाइकवाइज दे एंड विद 3 एंड विद 8 एंड एट विंड 2। नो दिस इज कि अगेन ये 2 से रिपीट हो रहा है एंड 1000 है ये। 1000 मीन्स आपका क्या है कि आपका ये जीरो, ऑड नंबर ऑफ जीरोज आ रही हैं। ऑड नंबर ऑफ जीरोज के कभी नहीं आते, मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी में बताया था कि हमेशा जो इवन नंबर ऑफ जीरोज आते हैं यानी 2 आएंगी या 4 आएंगी या 6 आएंगी या 8 आएंगी, 1 3 5 7 जीरोज कभी नहीं आएंगी। सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ऑड और इवन। अब आप देख सकते हो 431 की स्क्वायर। अब हमने अभी अभी किया था कि फोर स्क्वायर प्रॉपर्टीज़ में कि स्क्वायर की इवन नंबर की स्क्वायर भी इवन होगी, ऑड की स्क्वायर भी ऑड होगी। अब 431 इज एन ऑड स्क्वायर, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 431 इज एन ऑड नंबर। लाइकवाइज यू कैन सी दिस इज एन इवन नंबर, तो इसकी स्क्वायर भी जो है इवन नंबर होगी, इसकी स्क्वायर जो है ऑड होगी बिकॉज दिस इज एन ऑड, और इसकी क्या होगी आपकी इवन होगी। नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स। अब आपको पैटर्न स्टडी करना है और जो आपको फिलअप्स में दिया हुआ है आपको वो फिल करना है। नाउ यू कैन सी इसी कि आप ये देखो, इधर देखो 11 की स्क्वायर दिया हुआ है, देन आपको 101, 11 के बीच में एक जीरो डाल दी, फिर यहाँ 11 के बीच में 11 के बीच में 2 जीरो आ गई, 3 जीरोज, 4 जीरोज एंड 5 जीरो। दिस इज़ अ पैटर्न हेयर। नाउ इस साइड का पैटर्न देखते हैं, 11 की स्क्वायर वी नोट 121 होता है, पर जब आप यहाँ पे 101 की स्क्वायर करेंगे, इन्हीं नंबर्स की स्क्वायर भी करेंगे तो क्या होगा आपके पास। तो ये पैटर्न स्टडी की हेल्प से आप इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन जो है इसकी स्क्वायर आप इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। 121 होती है तो आपने 101 में यहाँ एक ज़ीरो बीच में डाली, तो आपने इन डिजिट्स के बीच में भी एक ज़ीरो ज़ीरो डाल दी। यहाँ 2 जीरोज आई तो आपने इन 121 के बीच में भी 2 जीरोज आ गए, ऐसे 3 जीरोज आ गए। अब आप देख सकते हो यहाँ 4 जीरो हैं तो यहाँ भी 4 जीरोज मैंने डाल दी हैं। नाउ अब आप देखो यहाँ पे 2 4 6 जीरोज है, तो इसका मतलब आपकी कितनी आ जाएंगी, 1 के साथ आपकी 6 जीरो आ जाएंगी, 2 5 6, फिर आपका 2 और फिर से 6 जीरो आ जाएंगी, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। दिस इज़ अ पैटर्न स्टडी।
नाउ अगेन आपको एक और पैटर्न सेम नंबर्स में दिया हुआ है कि 11 की स्क्वायर जब आपका ये होता है तो 101 की स्क्वायर आपकी सेम है कि 10201 होती है। तो अब आपका अगर ये हमने 101 लिया है पर आपका 101 मीन्स अगर आपको आगे करना पड़ जाए तो आप क्या करोगे 101010101 की स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे कि इधर क्या है 121 के बीच में आपकी एक एक ज़ीरो आ गई, फिर आपकी 12111 आपका 3 बार रिपीट हो रहा है तो 123 और उनके बीच में ज़ीरो आ गई और रिवर्स प्रोसीजर भी हो गया क्योंकि 121 121 123 21 123 4321 123 4 5 4 3 2 1 तो आपका यहाँ पे ये आ गया। अब आप देखो यहाँ पे 5 तक आपका गया हुआ है तो आपके पास यानी 51 होनी चाहिए 1 2 3 4 5 आपके पास 4 तक जा रहा था तो 41 थे 1 2 3 4 बीच में ज़ीरो आ रही है। नाउ नेक्स्ट पैटर्न अब यू कैन सी कि 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की स्क्वायर होता है। नाउ अब आप 2 की स्क्वायर ये दिया हुआ है फिर ये दिया हुआ है, नाउ यू कैन सी व्हाट इज़ अ पैटर्न हियर कि आप देख सकते हैं 1 की स्क्वायर ये आपका 2 है तो 3 आ रहा है, 6 है तो 7 आ रहा है, 12 है तो 13 आ रहा है। अब आपका यहाँ 21 है तो यहाँ 20 होगा, इट मीन्स ये फिलअप दिया हुआ है आपको बुक में, एंड 31 है तो 30 है। अब ये नंबर्स कैसे आ रहे हैं आपके पास, ये नंबर्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनका मल्टीप्लाई आ रहा है 1 2 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 3 4 ज़ा 12 4 5 ज़ा 20 तो ये 30 है तो इसका मतलब ये आपका क्या आएगा 5 6 ज़ा 30। नाउ 6 7 ज़ा 42 42 की स्क्वायर आएगा और ये 42 की स्क्वायर है तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 43 की स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट एडिंग फाइंड द सम कि आपने बिना ऐड किए जो है सम फाइंड आउट करना है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द प्रॉपर्टी दिस वी सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स कि पहले ऑड नंबर्स का जो टोटल होता है दैट इज एन स्क्वायर कि ऑड नंबर्स जब हम प्लस करेंगे जितनी भी ऑड नंबर हम प्लस करेंगे उनका जो टोटल होगा वो एन स्क्वायर होगा। लाइक यहाँ पे हम ऑड नंबर्स प्लस कर रहे हैं, यू कैन सी कि देखिए ऑड नंबर्स ही आपके सारे प्लस हो रहे हैं। अब हम देखेंगे यहाँ कितने ऑड नंबर्स प्लस हो रहे हैं यानी एन क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 वी आर एडिंग 5 ऑड नंबर्स सो द सम विल बी इक्वल टू 5 की स्क्वायर मीन्स 5 की स्क्वायर आपका किसके बराबर होता है 25 के बराबर होता है। नाउ यू कैन सी आपके कितने नंबर्स प्लस हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर्स प्लस हो रहे हैं मीन्स आप 10 की स्क्वायर कर दो 10 की स्क्वायर मीन्स 10 × 10 100 तो इन सब को प्लस करके आपका 100 के बराबर आएगा और यहाँ पे 10 11 12 हो रहे हैं तो 12 की स्क्वायर कर दो आप 12 की स्क्वायर मीन्स 12 × 12 144 होता है तो इसका मतलब आपका इन सबको प्लस करके 144 आएगा। इसका मतलब क्या है कि आप जितने भी ऑड नंबर्स ओनली ऑड नंबर्स नॉट इवन नॉट प्राइम ओनली ऑड ऑड नंबर्स आप प्लस करते हो जितने भी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 कि उतने ही नंबर्स का आप स्क्वायर कर दो तो आप इनका सम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज़ आ प्रॉपर्टी सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स कि अगर आप पहले 5 ऑड नंबर ले रहे हो पहले 10 ले रहे हो पहले 50 ले रहे हो 50 ऑड नंबर्स ले रहे हो 50 ऑड नंबर्स आपके लगभग 99 तक आ जाएंगे तो आप उसका प्लस कैसे करोगे इतने सारे नंबर्स का। सिंपल है 50 की स्क्वायर कर दो 50 की स्क्वायर किसके बराबर हो गए 50 × 50 यानी 2500 तो आप इतना बड़ा सम इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। नाउ एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स 7 ऑड नंबर्स 49 हमें पता है 7 की स्क्वायर होता है तो 7 ऑड नंबर्स हमने प्लस कर दिए हैं। वी हैव टू स्टार्ट द ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 ओनली अदरवाइज इट विल गो रॉन्ग। 121 जो है 11 की स्क्वायर होता है सो 11 नंबर्स जो है हमने यहाँ पे प्लस कर दिए हैं।
अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम 1. नाउ हाउ मेनी ऑड पर नंबर्स लाइक हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 12 एंड 13. यानी 12 की स्क्वायर आपका 144 होता है, 13 की स्क्वायर आपका 169 होता है. 12 12 144, 13 13 169. अब आप 144 और 169 के बीच में नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट 144 एंड 169. मतलब आपने ये दोनों नंबर नहीं लेने हैं, इनके बीच के नंबर लेने हैं. यू विल सी द नंबर्स लाइन बिटवीन देम आर 24. 24 लाई करते हैं एंड यू कैन सिंपली गेट इट लाइक दिस कि आप फर्स्ट नंबर जो है ये स्मॉलर नंबर है हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर में, तो 12 को सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 12 यानी 24 नंबर्स आएंगे. तो अब आप देख सकते हो 44 के बीच में 145, 146, 147, 148, 168 तक कैलकुलेट करोगे तो 24 नंबर्स ही आएंगे. तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन ईजीली कैलकुलेट दिस. अब आपका पहला नंबर 12 है, दूसरा नंबर 13 है. अब नेक्स्ट में आपका पहला नंबर 25 है, दूसरा 26 है. कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम ले रहे हैं यहाँ पे. 99 है तो 100 है. अब 99 की स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा 100 की स्क्वायर. तो आपका ये जो 2n आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस कम्स विद फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी. नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर नंबर्स बिटवीन एन स्क्वायर एंड एन प्लस 1. एन स्क्वायर मतलब जैसे हमारे क्वेश्चन में 12 था, 12 की स्क्वायर ले लिया हमने. एंड एन प्लस 1, एन प्लस 1 मतलब एन आपने 12 लिया तो 12 प्लस 1 यानी 13 की स्क्वायर. 13 की स्क्वायर और 12 की स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं, 2n, और n हमने क्या लिया था 12, तो यानी 2 इंटू 12 24. तो देखिए सेम वे हमने यहाँ पे किया हुआ है. सो 25 की स्क्वायर एंड 26 की स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, 2 इंटू 25 50. और 99 की स्क्वायर एंड 100 की स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे, 2 इंटू 99 यानी 198 नंबर लाई करेंगे. थैंक यू.